31 जुलाई को हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ही मिडल ईस्ट में एक बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। हानिया की हत्या को करीब एक महीना बीत चुका है, मगर अब तक ईरान की ओर से कोई सीधी कार्रवाई नहीं की गई है। हत्याकांड से तिलमिलाए ईरान ने लगातार इसराइल को धमकी दी है। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी हानिया की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी, मगर ईरान की ओर से कोई सैन्य पलटवार नहीं देखा गया है। ऐसे में इसराइल और ईरान के बीच डर और आशंका का माहौल अभी भी बरकरार है। अटकलें हैं कि ईरान किसी भी समय दिन या फिर रात में इसराइल पर अचानक से हमला बोल सकता है। मगर उससे पहले ईरान की ओर से इसराइल को चेतावनी देने का सिलसिला एक बार फिर देखने को मिला है। ईरानी आर्म फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने कहा कि इसराइल के खिलाफ बदला बेहद जरूरी है। انتقام از این عمل جنایتکارانه چه توسط محور مقاومت و چه توسط جمهوری اسلامی ایران قطعی است. جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های تحریکات رسانه‌ای و غیر آن نمی‌افتد و خود نسبت به چگونگی و زمان اقدام انقلابی خود تصمیم خواهد گرفت. محور مقاومت نیز هر کدام به تناسب توانمندی ها و تدابیر خود این انتقام ها را صورت خواهند داد که روز گذشته بخشی از آن را شاهد بودیم. ایرانی آرم فورس کے چیف آف سٹاف نے یہ بیان ایران کے نئے رکشا منتری بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادے کے پد گرہن سماروہ کے دوران دیا تھا۔ वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने भी इसराइल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब्बास अराग्शी ने जोर देकर कहा कि तेहरान की यात्रा के दौरान शहीद हमास नेता इस्माइल हानिया की इसराइली हत्या पर ईरान की प्रतिक्रिया निश्चित और गणनात्मक होगी। ईरान तनाव बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन वो इससे डरता भी नहीं है। हानिया की हत्या और ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के अक्षम्य उल्लंघन के लिए निश्चित और सटीक प्रतिक्रिया की जरूरत है। वहीं आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने हाल में कहा था कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख की हत्या पर ईरान की जवाबी कार्रवाई अच्छी तरह से की जाएगी, ताकि इजरायली पीएम उन संकटों से खुद को बचा ना सके जिसमें वो फंस गए हैं। ईरानी कार्रवाई बहुत सोच समझ कर की जाएगी। हमने संभावित नतीजों की जांच की है। हम नेतन्याहू को जो दलदल में डूब रहे हैं खुद को बचाने नहीं देंगे। अगर गाजा युद्ध के पहले हफ्तों में अमेरिका ने इसराइल और नेतन्याहू को रोक दिया होता तो युद्ध नहीं बढ़ता। ये युद्ध जितना ज्यादा बढ़ेगा अमेरिका को उतना ज्यादा नुकसान उठाना होगा। दावा तो ये भी है कि ईरान अभी अपने प्रॉक्सी ग्रुप को आगे कर इसराइल पर हमलावर है। हालांकि ईरान के संभावित हमले के डर से इजरायली लोग खासे सहमे हुए हैं। इजरायली सरकार खुद अलर्ट मोड में है। पीएम नेतन्याहू समेत उच्च अधिकारियों की सुरक्षा के लिए बंकरों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। दावा तो ये भी है कि इसराइल ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। ईरानी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने भी अपने सैन्य बेड़े और युद्धक विमानों का रुख मिडिल ईस्ट की ओर कर दिया है। ईरान की ओर से लगातार आ रही धमकियों और डरावने बयानों को एक्सपर्ट्स इसे ईरान का माइंड गेम करार देने लगे हैं।